भाई साहब क्या नाम है आपका? रमेश बाबू। रमेश बाबू आप कब से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ से रहते हैं बचपन से। बचपन से रहते हैं साहब? 62 साल। अच्छा 62 साल से रहते हैं। हाँ लेकिन ये समस्या जो है जल भराव की ये कब से है? ये बहुत समय से है और जो यहाँ के मेंबर हैं वो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ के पार्षद महोदय का क्या नाम है? वो नाम क्या है उसका यार? यहाँ के महोदय साहब कौन है पार्षद? रूप किशोर साहब। वो आते नहीं है यहाँ पर? वो आके नहीं देखता, आते ही नहीं, झाँकते ही नहीं, जब झाँकता ही नहीं, आया ही नहीं। साहब यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के पार्षद महोदय श्रीमान रूप किशोर जी हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर नहीं देखते और यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलिए। जल भराव की बिन बरसात के अंदर यहाँ समस्या रहती है और बात तो गड्ढा मुक्त की हुई थी साहब, यहाँ तो गड्ढे युक्त हो गए। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा असली समीर। समीर साहब कब से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ से रहते हैं कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए यहाँ पे। पंचर की आपकी दुकान चल रही है, कब से आप चला रहे हैं ये पंचर की दुकान? मैं करीब 40 साल हो गए, मेरे पिताजी बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ। अच्छा आप बैठते हैं और ये आप ये गड्ढों के बारे में और जल भराव के बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ सर, इसमें तो बहुत जिंदगी खराब कर रखी है, हमारा काम धाम पट कर रखा है सब, समझे? और कोई हमारे पास आने ही जाता है यहाँ पर, पानी भरने की वजह से, गड्ढों की वजह से हमारे सब कारोबार पट पड़ हुआ है, कोई देखभाल करने वाला नहीं यहाँ पर। ये जो गड्ढे हैं, ये जो जल भराव होता है ये कब कब होता है? जब जब बारिश होती है जब तक होता है। जब जब बारिश होती है, और जब बारिश नहीं होती है तो क्या जल भराव होता है यहाँ पर? जब भी होता है। जब भी होता है, जब सीवर बंद हो जाती है, नालियाँ बंद हो जाती है। तो यहाँ पार्षद महोदय साहब कौन है इसका ये तो पता नहीं अभी कौन है यहाँ के? यहाँ के पार्षद महोदय नहीं है, कहने को भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा हुआ है और उन नेताओं के सामने गड्ढा युक्त ये रोड है, जल भराव की समस्या है और जनता बेहद परेशान है। ये बैनर है भारतीय जनता पार्टी का साहब, और इन्हीं लोगों के सामने गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है, पूरे रोड पे जल भराव और गड्ढे युक्त है। पास में मंदिर है, मंदिर के सामने भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए गड्ढे में होके जाना पड़ता है।